नमस्ते दोस्तों, मैं झुमा घोष, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक बंगाली रेसिपी बनाने जा रही हूँ, स्टीम्ड हिलसा, इसको भापा इलिश कहते हैं बंगाली में। अगर आपको ये डिश अच्छी लगी तो मेरे वीडियो में जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हम किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ये हम हिलसा फिश लिए हैं 5 पीस, इसको 10 मिनट पहले हम नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखे हैं। काला सरसों लिए हैं, आप सफ़ेद सरसों से भी कर सकते हैं लेकिन काला सरसों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा नमक लिए हैं और 4 हम हरी मिर्च लिए हैं जिसको हम बीच से काट के रखे हैं। और आज हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे, सरसों तेल 4 चम्मच लिए हैं। अब हम सरसों का पेस्ट तैयार करेंगे। हम 3 चम्मच सरसों लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम नमक देंगे इसका झाँझ को ठीक रखने के लिए। और इसमें हम थोड़ा सा 2 हम हरी मिर्च देंगे और थोड़ा सा पानी देंगे, करीब 2-3 चम्मच टेबल स्पून। ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया। ये देखिए, ये ज़्यादा थिक नहीं होगा, थोड़ा सा पतला रहेगा। हम कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें 2 चम्मच हम तेल डालेंगे, फिर फिश के टुकड़ों को हम कढ़ाई में देंगे, फिर तुरंत हम पलट के उसको निकाल लेंगे। ये मछली में जो कच्चा स्मेल होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा गरम कर लिए। अब हम एक इसको बनाने के लिए हमें एक टिफ़िन बॉक्स लगेगा, जो टिफ़िन बॉक्स हम ये लिए हैं, इससे अगर थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होने से अच्छा होता है। और एक प्रेशर कुकर हमारा लगेगा, हम ये 5 लीटर का प्रेशर कुकर लिए हैं जिसमें टिफ़िन बॉक्स अच्छी तरह से उसके अंदर हम दे सकेंगे। अब हम टिफ़िन बॉक्स में वो सरसों का पेस्ट लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, करीब 3 टेबल स्पून पानी देंगे। और इसमें हम सरसों का तेल देंगे, 3 छोटी चम्मच तेल डालेंगे 3 चम्मच। और इसमें थोड़ा सा हम नमक देंगे, फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, जो तेल हम दिए थे तेल अच्छी तरह सरसों का पेस्ट में मिक्स्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर मछली के जो टुकड़े थे उसको हम एक एक करके उसमें दे देंगे पेस्ट के ऊपर। ये देखिए, इस तरह से बहुत सावधानी के साथ हमको देना है। फिर उसका पेस्ट को किनारे से लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे। और प्लेट में जो मेरा तेल था उसको भी हम उसमें दे देंगे, के ऊपर हम हरी मिर्च जो मेरा कटा हुआ था उसके ऊपर हम दे देंगे, इससे बहुत अच्छा स्मेल आएगी। हम 100 ml कुकर में पानी देंगे और फिर बॉक्स को अच्छी तरह से आप प्रेशर देकर इसका ढक्कन को बंद कीजिएगा। और इसको हम टिफ़िन बॉक्स को प्रेशर कुकर के अंदर अच्छी तरह बैठा दिए। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फिर हाई फ्लेम में हम इसका स्टीम आने तक 5 मिनट तक रखने से यह पूरा स्टीम आ जाता है। ये देखिए, आने के बाद फिर हम उसको गैस को हम लो फ्लेम में करके 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब 10 मिनट के बाद हम गैस को बंद करके 5 मिनट छोड़ देंगे। इसका स्टीम जब पूरा निकल जाएगा फिर हम देखिए इसको खोल के देखते, स्टीम पूरा निकल गया। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको आस्ते से निकालेंगे, बहुत धीरे से हम निकालेंगे, सावधानी से। ये देखिए, बहुत गर्म होता है। ये हम इसको निकाल लिए, फिर एक कॉटन कपड़ा से हम इसको ढक्कन को खोल दिए। ये मेरा तैयार हो गया स्टीम्ड हिलसा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ये पूरी पक चुकी है, इस फॉर्क से हम देख लिए। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको बहुत ही सावधानी से हमको निकालना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये देखिए, अब इसको पहले हम मछली को निकाल लिए, उसके बाद हम उसकी जो ग्रेवी है उसके ऊपर से हम दे देंगे। इस तरह से मेरा तैयार हो गया स्टीम्ड हिलसा। ये बंगाल के बहुत ही फेमस रेसिपी है, ये बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए।